2016 लेवल 2 इंग्लिश के हैं। हम कब से यहाँ पे आ रहे हैं, मतलब काउंसलिंग की डेट ये मतलब दो दिनों बाद बदल देते हैं। पहले इनकी 28 थी, अभी इनकी 2 थी, लेकिन आज भी कह रहे हैं कि काउंसलिंग किसी भी हालत में नहीं करवाई जाएगी। कारण कि हमारे पास कोई भी सीट वैकेंट नहीं है, ठीक है। जितने भी डिस्ट्रिक्ट और हैं हर जगह पे काउंसलिंग हो चुकी है, यहाँ तक कि ज्वाइनिंग भी करवा रहे हैं, लेकिन हम वहीं के वहीं खड़े हैं अभी तक। क्या कारण है अभी आपका? कह रहे हैं कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, डीओ सर से बात की है, वो कहते हैं हम कोई स्पष्ट उनका कोई आंसर नहीं है कारण कि हमारे पास वैकेंट सीट्स नहीं है, कहाँ पे आपको मतलब एडजस्ट करें। एडजस्ट तो अभी आप क्या करोगे फिर, क्या आगे अगला कदम आपका? जब तक हमें नहीं रहते, हम यहाँ से नहीं हिलने वाले सर। नहीं, आप उच्च अधिकारियों को ज्ञापन देने का कोई है आपका कि या फिर मिलने? कलेक्टर सर और मतलब इधर सीओ सर से बात करने के लिए भी निकल रहे हैं। निकल रहे हो, प्रकरण बताएं थोड़ा आपको, आपका क्या है? सर 25 जून तक के हमारे ऑर्डर्स होने थे, लेवल 2 इंग्लिश के हम, और हरियाणा मैटर है हमारा। 18 वालों को ज्वाइनिंग दी जा चुकी है, कितने मंथ्स हो गए वो ज्वाइन कर लिया उन्होंने, बट हम वहीं के वहीं खड़े हैं। हालांकि हम 2016 के थे, 18 वालों को हमसे पहले मिल गए, हम वहीं खड़े हैं अभी तक। कोई इनकी हाँ या ना, और अभी तक भी कोई क्लियर क्लैरिफिकेशन इनके पास नहीं है, कब ये देंगे, 1 मंथ 2 मंथ या फिर 15 डेज, कोई इनके पास रिप्लाई नहीं है हमारे लिए कि कब तक करेंगे।